गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सर्कुलर, जो कि नोटिफिकेशंस जो 24 जून को इशू हुए हैं उसके अंदर कुछ डाउट्स जो निकल के आए हैं उसको क्लैरिफाई कर रहा है ये सर्कुलर। इंटरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। किस तरीके से वो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन या लेट फीस कैलकुलेशन जो फरवरी महीने से जुलाई महीने की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए समझना है, और जो हमारा जीएसटीआर 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए फाइल करना है हम लोगों को 1920 का 15 जुलाई तक, इन दोनों ही विषयों के लिए कोई भी डाउट है तो आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो 5 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है संडे को 11 बजे से 2 बजे तक, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें जो हैं बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जीएसटीआर 4 का लेट फीस परचेज, आरसीएम से रिलेटेड सारी चीजें उसमें कवरेज रहने वाली है। अब देखिए, जो सर्कुलर इशू किया गया है, जो क्लैरिफिकेशन इशू की गई है वो क्या कहता है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट आप करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस मेजर्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट for providing relief to the taxpayers in view of the spread of COVID-19, यानी कि जो relief measures issue किए गए हैं, announce किए गए हैं 24 जून 2020 को notification के जरिए, उसके अंदर clarification जो है इन्होंने बताया है। यहाँ पर इन्होंने circular number 136 जो 3 अप्रैल 2020 को issue किया गया था उसका हवाला दिया है। सर, ये circular क्या है? ये circular जो है notifications जो 3 अप्रैल को आई थी, जहां पर डेट का कंडीशनल वेवर और इंटरेस्ट की कंडीशनल वेवर्स जो है वो दी गई थी, उसको क्लैरिफाई करता है। वो जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सर्कुलर, जो कि नोटिफिकेशंस जो 24 जून को इशू हुए हैं उसके अंदर कुछ डाउट्स जो निकल के आए हैं उसको क्लैरिफाई कर रहा है ये सर्कुलर। इंटरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। किस तरीके से वो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन या लेट फीस कैलकुलेशन जो फरवरी महीने से जुलाई महीने की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए समझना है, और जो हमारा जीएसटीआर 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए फाइल करना है हम लोगों को 1920 का 15 जुलाई तक, इन दोनों ही विषयों के लिए कोई भी डाउट है तो आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो 5 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है संडे को 11 बजे से 2 बजे तक, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें जो हैं बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जीएसटीआर 4 का लेट फीस परचेज, आरसीएम से रिलेटेड सारी चीजें उसमें कवरेज रहने वाली। अब देखिए, जो सर्कुलर इशू किया गया है, जो क्लैरिफिकेशन इशू की गई है वो क्या कहता है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट आप करेंगे। यहां पे इन्होंने बोला है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस मेजर्स अनाउंस्ड बाय द, अब देखिए जो क्लैरिफिकेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से होगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो किस तरीके से काम करना है। मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर टैक्सपेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अबव रुपीज 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो अब क्या चेंजेस करे गए हैं और क्या आपको ध्यान में रखनी है बात, वो एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन 51 जो कल इशू हुआ हैज रिमूव्ड द सेड कंडीशन। ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन नंबर 51 जो है उसके अंदर एक कंडीशन को रिमूव किया गया है जो ओरिजिनली नोटिफिकेशन नंबर 31 के अंदर दिया गया था। नोटिफिकेशन 31 में क्या कंडीशन था, उसमें यह कंडीशन था कि अगर आप अपनी रिटर्न 24 जून तक फाइल कर देते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की अगर आप अपनी 3B 24 जून तक कर देते हैं तो आपको वेवर का बेनिफिट जो है मिलेगा। अगर आप 24 जून को नहीं फाइल करते हैं तो जो कंडीशन था वो नहीं लगेगा, आपको वेवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस कंडीशन को
वो जो कंडीशनल वेवर था इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, उस कंडीशन को अब हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है, द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन हैज रिमूव्ड द सेड कंडीशन। अकॉर्डिंगली अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड 9% देयर आफ्टर टिल 24 जून इज नोटिफाइड। After the specified date, normal rate of interest 18% will be charged for the delay in furnishing of returns. तो example से समझते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। The calculation of interest in respect of this class of registered person for delayed filing of return for the month of March 2020, जिसकी original due date थी 20 April 2020, इस केस में कैसे अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। नोटिफिकेशन 51 कहता है कि आप जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन तक फाइल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे, पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 24 जून तक 9% का इंटरेस्ट, और उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देना होगा। सवाल यह है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आज से जो लगेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको कौन सा डिफॉल्ट पीरियड लेना है? क्या 24 जून से लेके 25 जून के लिए होगा या 20 अप्रैल से 25 जून तक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे? इसको इन्होंने एग्जांपल में समझाया है। लेट सपोज डेट ऑफ फाइलिंग 3 भी आपकी 2 मई 2020 है। मार्च की ओरिजिनल ड्यू डेट है 20 अप्रैल, आपने फाइल करा जीएसटीआर 3 भी 2 मई 2020 को, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितना है? यह है 12 दिन। As per notification 51, पहले 15 दिन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो इंटरेस्ट लगेगा। अगला सिचुएशन, आपने रिटर्न फाइल करा है 20 मई 2020 तक, यानी कि 15 दिन वाला कंडीशन जो है, 15 दिन का जो वेवर है वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 30 डेज आपने डिले करा, तो जीरो इंटरेस्ट फॉर 15 डेज, पहले 15 दिन के लिए जीरो इंटरेस्ट रहेगा, और उसके बाद 16वें दिन से लेके जिस दिन तक आपने फाइलिंग करी यानी कि 3 मई से लेके 20 मई तक, अगले 15 दिन के लिए आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूस्ड रेट पे, और ये रिड्यूस्ड रेट का इंटरेस्ट 24 जून तक चलेगा। सिमिलरली 20 जून को अगर आप फाइल करेंगे तो आपका नंबर ऑफ डिले कितना हो गया? 61 डेज। तो अब आप देखेंगे तो जीरो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 डेज, 15 डेज वाला कंडीशन तो लगेगा ही, कब तक? 24 जून तक। अब यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद 16वें दिन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक 46 डेज हो रहे हैं, उसके अंदर रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। 24 जून यानी कि अगर आपने कल तक फाइल कर दी है तो 65 दिन का डिले है, जिसमें से 15 दिन का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद यानी कि आज से अगर आप अपनी फाइलिंग करेंगे तो आपको क्या होगा वो अगले एग्जाम्पल में बताया गया है, और 24 जून तक आपको 9% फॉर 50 डेज का इंटरेस्ट जो है लगेगा। अब देखिए अगर आप अपनी रिटर्न 30 जून को फाइल करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट के बाद यानी कि 30 जून 2020 के बाद फाइल करा तो क्या होगा, नंबर ऑफ डिले कितना है? 71 डेज। अब इस 71 डेज के अंदर आप कंडीशंस के हिसाब से ब्रेकअप करेंगे। कंडीशंस क्या है? पहले 15 दिन ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इसी तरीके से 71 दिन में पहले 15 दिन का कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट 50 डेज यानी कि 24 जून 2020 तक जो है आपके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 25 जून 2020 से लेके 30 जून 2020 तक 18% का इंटरेस्ट लगेगा। पहले क्या होता, जो आपका नोटिफिकेशन 31 है उसमें कंडीशन यह है कि 24 जून तक अगर नहीं फाइल करा उसके बाद अगर करेंगे तो 20 अप्रैल यानी कि पूरे 71 डेज के लिए आपका 18% का ब्याज लग जाता, जो कि अब बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 15 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगले 50 दिन में मात्र 9% का है, सिर्फ 6 दिन के लिए 18% का ब्याज जो है वो लगने वाला है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है देने वाला है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो स्टेट वाइज जो है डेट्स को नोटिफाई करा गया है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डेट्स दिए गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपने 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए करा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्पेसिफाइड डेट है
उस दिन तक अगर आप फाइल करेंगे तो कंडीशनल वेवर मिलेगा, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो कंडीशनल डेट के बाद से कैलकुलेशन करना है। लेट सपोज इन्होंने मार्च महीने का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मार्च महीने की रिटर्न अगर आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, तो अगर आपकी 22 अप्रैल ड्यू डेट थी और जून महीने के लिए जो 22 जुलाई है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च की जो रिटर्न होगी वो 3 जुलाई तक अगर आप फाइल कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद 30 सितंबर तक 9% का ब्याज लगेगा। इस सिचुएशन में अगर आपने 22 जून को अपनी रिटर्न फाइल करी तो 0 इंटरेस्ट फॉर द 61 डेज, 22 सितंबर को करते हैं तो 153 दिन का आप डिले करेंगे, इसके लिए आपको देखना होगा कि 0 इंटरेस्ट फॉर 72 डेज। 72 डेज कैसे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि आपको ये देखना है ड्यू डेट से लेके 3 जुलाई तक कितने दिन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 72 दिन, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे 81 डेज उसके ऊपर आपको 9% का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। अगर आप अपनी मार्च की रिटर्न 22 अक्टूबर को फाइल करेंगे तो 183 डेज का डिले हुआ। अब इस 183 डेज के डिले के लिए जो आपका पहले 72 दिन का डिले था उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं, और उसके बाद जो 30 सितंबर तक है उसमें 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और बियॉन्ड दैट यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर 22 दिन के लिए ही 18% का ब्याज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। सिमिलरली जून के लिए भी आप कैलकुलेशन जो है करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट के लिए तो रिलैक्सेशन दिया गया है इस तरीके से, लेट फीस के लिए रियल रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग होगा, लेट फीस का कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाएगा। लेट फीस के अंदर जो कंडीशन थी वो एज इट इज रख दी गई है कि अगर आप उस कंडीशनल डेट तक फाइल करेंगे तो ही आपको वेवर मिलेगा, अगर आप उस डेट को मिस कर देंगे, उस डेट को रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, तो आपका जो लेट फी कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल ड्यू डेट से होगा, ना कि स्पेसिफाइड डेट से, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इन केस द रिटर्न इन 3B फॉर द सेड मंथ्स आर नॉट फर्निश्ड ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन, देन द लेट फी शैल बी पेएबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा अगर स्पेसिफाइड डेट तक नहीं करते हैं, टिल द डेट ऑन द विच रिटर्न इज फाइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज की डिफरेंशिएशन को समझना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और लेट फीस का कैलकुलेशन। अगर आपको ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है उसको आप एक सिंपल टेबल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आपको इस नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कॉल करके डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बिग रिलीफ है वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे उसे कैलकुलेट करना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके जो साथ में बेल आइकन है उसे दबाइएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।